वीडियो देखते हुए ब्रेक आए मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। आसमान तक उठती ये आग की लपटें गुरुग्राम के एक एटीएम से निकल रही हैं, जिस एटीएम से लोग कुछ देर पहले तक पैसे निकाल रहे थे उसमें देखते ही देखते इतनी भयानक आग लग जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आग की ये भयावह तस्वीरें वाकई डराने वाली है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने पूरे कर्नाटका बैंक के एटीएम को अपनी चपेट में ले लिया था। और तो और अगल बगल की दुकानों तक भी आग फैल चुकी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पा एक बड़ी घटना को घटने से रोक लिया। वहीं आसपास के लोगों की माने तो एटीएम में लगी आग ने उनकी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले दुकानदारों की मुसीबतें बढ़ा दी। दुकानदारों ने टेलीफोन किया कि भाई आपके यहाँ एटीएम में कर्नाटका बैंक का जो एटीएम है मैंने रेंट पे दे के रखा है, तो उन्होंने टेलीफोन किया था, वो कहने लगे भाई आपकी दुकान में एटीएम की दुकान में आग लगी हुई है। तो मैं समय पे आया तो मैंने इनको दुकानदारों ने फायर वगैरह को टेलीफोन किया और मैंने पुलिस वाले को टेलीफोन किया, दोनों टाइम पे आ गए। इसलिए थोड़ा सा जान तो बच गई लोगों की, पर बाकी नुकसान काफ़ी हो गया। मेरी बिल्डिंग दोनों दो भाइयों की दुकान है, साइड में दो छोटों की है एक बड़े की है। किस तरह से लगी आग बताते हैं, शॉर्ट सर्किट से। नहीं, अचानक ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो ऐसा प्रॉपर ढंग से है कर्नाटका बैंक एटीएम तो प्रॉपर अपने आराम से चलता है, पता नहीं किस कारण से क्या हुआ वो तो। क्या यहाँ पर कोई गार्ड की तैनाती नहीं? नहीं, गार्ड नहीं है। वही कर्नाटक बैंक का एटीएम और आसपास की दुकानों में रखा काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि कितना नुकसान हुआ और एटीएम मशीन में कितना कैश रखा गया था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अगर समय रहते दमकल विभाग ने मुस्तैदी ना दिखाई होती तो आग की यह घटना काफी बड़ा रूप अख्तियार कर सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।